बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज की दुनिया में बहुत सारे वालदैन ऐसी शिकायत करते हैं कि उनके बेटे और बेटियाँ आम तौर पर जब ख़ानदान के लोग बैठे हों तो वहाँ बात ही नहीं करते, एक तरह से गूंगे हो जाते हैं। कभी उनसे कोई बात पूछ ले, उनसे जवाब नहीं बन पाता। तो क्या ये सिर्फ़ उन बच्चों का या बच्चियों का कसूर है? मैं तो इस पर जब जब गौर करता हूँ तो सच कहूँ, मुझे वालदैन का कसूर लगता है। इसलिए कि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ भी बहुत आला दर्जे की ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू नहीं होती कि जिसके नतीजे में बच्चे, हम जो जायका खाते हैं वही जायका हम अंदर याद रखते हैं, वही रिफ़्लेक्ट करते हैं। जो हम सुनते हैं वही हम आगे कहते हैं। लाइक आज की वो यूथ जो वालदैन के साथ नहीं बैठती और बाहर दोस्तों के साथ बैठती है, वो जो सुनती है, जिस तरह की बद लिहाजी, तो वैसे बद लिहाज हो जाती है। जैसी वो बद तहजीबी देखती है वैसे बद तहजीब हो जाते हैं। तो वो जो एक शाइस्तगी और लाजवाब कर देने वाली गुफ्तगू होती थी बच्चों में और बड़ों में, आम तौर पे वो मुयस्सर नहीं रही। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन का सा एक इस बच्चे का था, उनका प्रोग्राम। अच्छा, सच्ची बात है, इट वाज़ अमेजिंग। वो लाजवाब कर देने वाले बच्चे की बातें, उसने काफ़ी पैसे जीते, जहाँ तक मैंने देखा 12.5 लाख तब तक उसने जीते थे। बाकी किस्से मैं नहीं देख पाया, कभी वक्त मिला तो मैं उसको भी ज़रूर देखूँगा। अभी जब मैंने इस मौजू पर सोचना शुरू किया तो मैंने आपसे बात करनी है ये कि अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों में या अपने वालदैन के साथ कभी आपने लाजवाब किया हो या लाजवाब हुए हो और फिर आपके चेहरे पे खुशी और मुस्कुराहट यहाँ तक चली गई हो, तो ये हमसे शेयर कीजिए। जो 3 वाक़यात हमको बहुत अच्छे लगेंगे, हम उनको अपनी किताब गिफ्ट में भेजेंगे और साथ उनका नाम और उनका वाक़या भी मैं आपको सुनाऊँगा। अच्छा, आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी लाजवाब होने को विजुलाइज़ नहीं किया होगा, ये क्या होता है। इस्लामी तारीख में हारून रशीद के बारे में ये कहा जाता है कि उसका ज़माना बहुत सुनहरी ज़माना था, यानी इसे यूरोप वाले भी और ख़ास तौर पे बरतानिया में तो अब भी उस पर गोल्डन इरा के नाम से थीरीज आती हैं। और ये लीबिया से लेके वस्ती एशिया तक इसका ज़माना था। बहुत अदबी काम होता था, बहुत उलमा और बहुत जो जिनको आप कहते हैं ना अहले इलम और कहानी गो, सब इसके ज़माने में होते थे। 786 से लेके ये 809 तक का इसका इरा है। इससे किसी ने पूछा, अच्छा जैसा बादशाह अलाउ करेगा अब उससे वैसी बात करेंगे, वो गंदी मंदी बातें करेगा, वो सियासी बातें करेगा, वो झूठे नारे लगाएगा, वो झूठी बातें करेगा, लोग उसके गिर्द वैसे हो जाएंगे। तो इससे किसी ने पूछा कि खलीफ़ातुल मुस्लिमीन, खलीफ़ातुल मोमिनीन, अब बहुत हाजिर जवाब हैं, बहुत उम्दा बरवक्त बात करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी से बात की हो और उसने ऐसा जवाब दिया हो कि आप लाजवाब हुए हो? तो खलीफा ने कहा, हाँ 3 दफ़ा ऐसा हुआ। फिर उन्होंने बताया कि एक दफ़ा एक खातून का बेटा फौत हो गया, बहुत रो रही थी, दुख था ज़ाहिर, उसको जवान बेटा फौत हुआ। तो मैंने आगे बढ़ के हमदर्दी से कहा कि आप मुझे अपना बेटा समझ लीजिए। इस पर उसने और ज़ारो तार होकर धाड़ना शुरू कर दिया और रोना शुरू किया। तो मैंने उससे कहा, आप क्यों रोती हो? तो उसने कहा कि जिसके इतने शानदार बेटे के जाने पे खलीफा मेरा बेटा बन जाए तो उसके याद में रोना तो बनता है। तो खलीफा ने कहा कि मैं उस पर बिल्कुल लाजवाब हो गया, दलील उसकी बहुत तगड़ी थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मिस्र में एक बदबخت आदमी ने हज़रत मूसा होने का दावा कर दिया, तो उन्होंने अपने अमले को भेजा, उनको वहाँ से पकड़ के लाए, पेश हुआ दरबार में, कहा कि तुम अपने आप को हज़रत मूसा कहते हो और दावा करते हो, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या है तुम्हारे कोई मारकतुल आरा मोजज़े कि जो तुम दिखा सको? तो उसने कहा कि हज़रत मूसा ने मोजज़े दिखाए थे फिरौन के दरबार में, और फिरौन वो था जिसने खुदा होने का दावा किया था। आप भी खुदा होने का दावा करें, मैं अपने मोजज़े दिखाता हूँ। तो हारून रशीद कहते हैं, मैं बिल्कुल लाजवाब हो गया, उसकी बात का मैं क्या जवाब देता? तीसरा, उन्होंने जो वाकया बताया वो इससे भी मज़ेदार था। कहा कि एक ज़हर, इतने सूबे थे, हर सूबे का गवर्नर लगाया जाता था। तो गवर्नर आमतौर पर जैसे पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत लगाती है, अच्छा हो या बुरा हो उसका चॉइस होता है। तो उस गवर्नर को
खलीफा ने अपने तौर पे तो अच्छा समझ के लगाया, लोग आगे लोगों ने कहा कि ना सिर्फ बुरा है, ना सिर्फ नकम्मा है, ना सिर्फ काहिल है, गाफिल है, सुस्तुल वजूद है, फैसले नहीं उससे होते। तो खलीफा ने कहा ना ऐसा तो ना कहो, वो तो बहुत नेक है, वो बहुत शरीफ है और बहुत ईमानदार है। तो लोगों ने कहा कि अगर इतना ही नेक है, इतना ही शरीफ है, इतना ही ईमानदार है तो बिस्मिल्लाह हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, आप उसे अपनी जगह खलीफा बना दीजिए ताकि उसकी नेकी, उसकी शराफत, उसकी ईमानदारी पूरे आलम इस्लाम तक पहुँचे। जहाँ जहाँ तक आपकी खिलाफत की हदें वहाँ तक उसका फैल जाना चाहिए। अब उस मौके पर खलीफा साहब मुस्कुराए होंगे, क्या जवाब देते? ये आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हो, आपने अपने बच्चों से कुछ कहा हो, उन्होंने आगे से लाजवाब कर दिया हो, आपने अपने किसी मुलाजिम से कुछ कहा हो, इवन आपने अपनी बीवी से कुछ कहा हो, अपनी ज़िंदगी में अच्छे मोमेंट्स को ज़रूर याद रखा करें और उनको रिकॉर्ड किया करें, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। तो अपने पास किसी डायरी में लिख लिया, क्योंकि अभी अब देखें आप परेशानी में पड़ गए, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में, अब ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह 30-40 साल की तो होगी, तो इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल बंजर, वीरान और सारी उदासी से भरी हो। कहीं ना कहीं मुस्कुराने वाली ज़िंदगी तो होती है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें उसमें ज़रूर हुई होती हैं कि जो आपको बिल्कुल मज़ेदार और एक ख़ास कैफियत में ले जाती हैं। कोई एक जुमला ही ऐसा होता है, मुझे याद एक दफ़ा एक किताब, उसका नाम है 5A ज़ैलदार पार्क। अच्छा, उसमें मौलाना मौदूदी साहब के बारे में वाक़ात हैं कि जब वो उनके अपने घर में रोज़ असर के बाद बैठते थे तो एक दो उनके एक दोस्त मिलने आए और उन्होंने उनसे कहा कि बाकर खान का नाम था, बाकर खान साहब क्या हाल है आपके? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा बाकर खानी का क्या हाल है? अच्छा, अब इस पे तो वो जो कहकर पढ़ना था वो पढ़ा, लेकिन वो तो कहते हैं मैं बिल्कुल लाजवाब हो गया, उसका मैं क्या जवाब देता? अब वो यानी असूली तौर पर बाकर खान की बीवी बाकर खानी ही होगी, पर वो बाकर खानी तो वो होती है जो खाने वाली होती है। तो कभी कभी एक हल्का फुल्का जुमला आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है जो बाद में आपके कानों को भी भला लगता है, खुशगवार याद के तौर पे। तो हम जो सारे थके हुए और मुख्तलिफ चीज़ों से अके हुए होते हैं, हाँ कभी कभी किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में भी वैसी कुछ चीज़ आ जाती है, तो अब आपने फौरी तौर पर अभी हमको व्हाट्सएप करना है 03008468746। अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए, वो वाक़या आप इसे वॉइस मेल भी कर सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, और ये अगले दो दिनों में आपने भेजना है, ये इसका लंबा अरसा नहीं है, इससे अगले दो दिनों में आपने, यानी आज बुध है कल जुमेरात है, और दो दिनों में आप भिजवा देंगे ताकि फिर हम इस मुकाबले को कंक्लूड करें और आपको अपने मोहब्बत भरे इनाम से नवाजें, वो आपको अच्छा लगेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।